खबरें इंडिया न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। दिन है शनिवार 4 दिसंबर। सभी श्रोताओं को प्रियांशी का नमस्कार। इससे पहले कि हम खबरों की शुरुआत करें, आइए जान लेते हैं आज के मुख्य समाचार। 38 देशों में फैला कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन, मौत के आंकड़े पर WHO ने दी चेतावनी। जयपुर में एक ही परिवार के 9 लोग कोरोना वायरस में, दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे 4 लोग। दक्षिण अफ्रीका में शुक्रवार रात कोरोना वायरस इनटू मेन रोंग की 16,000 से अधिक संक्रमितों की हुई पुष्टि, वहीं 25 लोगों ने अपनी जान गंवाई। आज उत्तर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तट पर टकरा सकता है चक्रवाती तूफान जवाद, NDRF ने संभाला मोर्चा। आज उत्तराखंड में चुनावी शंखनाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 18,000 करोड़ की योजनाओं का करेंगे लोकार्पण व शिलान्यास। अखिलेश यादव पर केशव प्रसाद मौर्य का सीधा हमला, कहा पहले टोपी वाले बंदूक लेकर घूमते थे, योगी सरकार में अब सब सुरक्षित है। राज्यसभा में बना नया रिकॉर्ड, एक ही दिन 21 निजी विधेयक किए गए पेश। राकेश टिकैत ने सरकार के सामने रखी 3 मांगे, कहा बिना इनके नहीं जाएंगे वापस। इंडियन नेवी डे पर आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर दी बधाई। आज से महंगी हुई CNG, दिल्ली हरियाणा समेत कई राज्य में बढ़ गए दाम। खबरें इंडिया न्यूज बुलेटिन के डिजिटल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अब हम आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से जानेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शुक्रवार को बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दुनिया के 38 देशों में फैल चुका है, लेकिन इसके कारण अभी तक किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। WHO ने कहा कि अभी भी ओमिक्रॉन से संबंधित मौतों का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन नया वेरिएंट अगले कुछ महीनों में यूरोप के आधे से ज्यादा कोविड मामलों का कारण बन सकता है। इसके साथ ही WHO ने चेतावनी दी है कि यह निर्धारित करने में हफ्तों लग सकते हैं कि वेरिएंट कितना संक्रामक है, क्या यह अधिक गंभीर बीमारी का कारण बनता है और इसके खिलाफ कितने प्रभावी उपचार और टीके हैं। आपको बता दें कि हाल ही में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने वेरिएंट के स्थानीय रूप से प्रसारित मामलों की पुष्टि की है। वहीं दक्षिण अफ्रीका में इसके कारण COVID-19 के मामलों में तेजी आई है। तीनों कृषि कानूनों के रद्द होने के बाद भी किसानों का आंदोलन जारी है। केंद्र सरकार चाहती है कि किसान धरना छोड़कर वापस अपने घर चले जाएं। वहीं किसान MSP, मुआवजे और अपने ऊपर लगे केस वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज शनिवार को किसानों की बैठक बुलाई है, जिसमें इन सब मुद्दों और किसानों की घर वापसी पर चर्चा हुई। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि MSP कानून बनने तक किसान आंदोलन खत्म नहीं होगा। राकेश टिकैत ने कहा कि अभी आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है, सरकार से बातचीत शुरू हुई है, बातचीत से ही समाधान निकलेगा। संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में आज आगे की रणनीति तय होगी। मुकदमे वापस लेने पर भी बात हो रही है, हरियाणा सरकार से बात हुई है, किसानों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने होंगे, किसानों को मुआवजा देना होगा और MSP पर कानून बनाना ही होगा। राज्यसभा में शुक्रवार को नया रिकॉर्ड कायम हुआ। सभापति ने बताया शून्यकाल में 17 मामले और विशेष उल्लेख में 6 मुद्दे उठाए गए। इसके अलावा भोजन अवकाश के बाद 21 निजी विधेयक राज्यसभा में पेश किए गए। भाजपा के विधेयक का विपक्ष द्वारा विरोध करने के कारण उसे सदन पटल में नहीं रख सके। लोकसभा में शुक्रवार को भगवद गीता की शिक्षा स्कूलों में अनिवार्य करने और भीड़ हिंसा से सुरक्षा देने वाले बिल सहित 153 निजी विधेयक पेश किए गए। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने निजी डेटा की सुरक्षा के लिए बिल पेश किया और इसके अलावा उन्होंने भीड़ हिंसा से सुरक्षा देने वाला बिल भी पेश किया। भाजपा सांसद रमेश भिदूड़ी ने सभी शिक्षण संस्थानों में अनिवार्य रूप से गीता की शिक्षा देने वाले निजी बिल पेश किए। इसके अलावा अन्य सदस्यों ने भी अपने अपने विधेयक पेश किए। इस दौरान नोकझोंक भी जमकर हुई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय नौसेना कर्मियों को नौसेना दिवस की बधाई दी। अपने बधाई संदेश में राष्ट्रपति ने नौसेना दिवस पर सभी नौसैन्य कर्मियों, पूर्व नौसैनिकों और उनके परिवारों को बधाई देते हुए कहा, आपकी सेवा के लिए समस्त भारतीय कृतज्ञ हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि मैं नौसेना से जुड़े सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं। उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना के अनुकरणीय योगदान पर हमें गर्व है। प्राकृतिक आपदाओं जैसे संकट की स्थिति को कम करने में हमारे नौसेना के जवान हमेशा आगे रहे हैं। अमित शाह ने कहा, नौसेना दिवस के विशेष अवसर पर हमारे बहादुर भारतीय नौसेना कर्मियों और उनके परिवारों को बधाई।
भारत के समुद्री हितों की सुरक्षा रखने और नागरिक आपात स्थितियों के दौरान देशवासियों की मदद करने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए राष्ट्र को हमारे बहादुर नौसेना बल पर गर्व है। देश की राजधानी समेत कई राज्यों में सीएनजी की कीमतों में इजाफा हो गया है। सीएनजी की नई कीमतें आज सुबह 6 बजे से लागू हो गई हैं। दिल्ली एनसीआर के अलावा हरियाणा और राजस्थान में भी सीएनजी की कीमतों को रिवाइज किया गया है। सरकारी कंपनी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के मुताबिक राजधानी में सीएनजी की कीमत 1 रुपए प्रति किलोग्राम तक बढ़ गई है। पेट्रोल डीजल पर महंगाई की मार के बाद सीएनजी की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले 14 नवंबर को दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी की कीमतों में इजाफा किया गया था। आज की खबरों में बस इतना ही। खबरों की लगातार अपडेट के लिए देखते रहिए खबरें इंडिया। नमस्कार।